अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों? खुश रहें, जहाँ रहें आबाद रहें, कामयाब रहें अपनी ज़िंदगियों में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सब के लिए दुआएं करती हूँ जिनकी औलाद नहीं। अल्लाह मियाँ उनको औलाद की नेमत से नवाजे। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह मियाँ उनके लिए बेहतर वसीले पैदा करें रोज़गार के। सबकी परेशानी अल्लाह मियाँ दूर फरमाए, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। मैं आज की वीडियो इन दुआओं से शुरू कर रही हूँ इंशाल्लाह। ये देखें अभी सफाई का काम हो रहा है नीचे सहन की। ये मेरे बेटे का बाइक है, खड़ा हुआ ढाम के रखा हुआ है, सर्दी ने लगी है इसको। सहन की धुलाई हो गई है। आज हम आपको बाहर का भी ज़रा सा विज़िट कराएंगे, बाहर भी जाऊंगी घर से इंशाल्लाह। अभी हम घर से बाहर जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आपसे शेयर करेंगे वहाँ जाके। हमारे घर से बाहर का माहौल देखें, ये हॉस्टल बना है यहाँ पे। एक ये वीराना हुआ करता था, तो अब इधर तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बन गई हैं। इनका भांजे है, हम उसके घर आए हैं अभी, सीढ़ी उतर रही हैं। कुछ अर्से पहले ही उसने अपना नया घर बनाया है। देखें खूबसूरत जगह पे घर बनाया है। इनका लॉन्च है, अभी सफाइयाँ हो रही हैं जी। एक रूम ये है, एक रूम ये है, अभी 3-4 महीने हुए हैं ये इधर शिफ्ट हुए हैं।
सामने किचन है, ये बाद में आपको दिखाऊंगी। ये है जी किचन, कुछ बन रहा है दिन के लिए। प्यारा घर बनाया है इसने अपना। एक ऊपर वाली साइड पे है इनका घर, अब ये नीचे, उसमें से एक पोर्शन को उन्होंने किराए पे दिया हुआ है, दूसरी पोर्शन में इनकी वालदा रहती हैं और भाई छोटा। ये देखें जी, ये कस्सियाँ, हमारे इलाके में कस्सियाँ इनको कहते हैं, जो खाइयाँ होती हैं ना, डूंगी डूंगी सी डूंगी डूंगी सी, तो उनको कस्सियाँ कहते हैं। बचपन में हम बहुत में घूमा, जब मेरी वाला के घर के पास भी हम उसमें बहुत घूमा करते थे बचपन में, खेलने के लिए भागते थे नीचे, चश्मा हुआ करता था, चश्मे में जाया करते थे पानी लेने के लिए, जब पानी नहीं मिलता था तो, पानी नलकों में नहीं आता था तो। इसने बहुत अच्छी जगह पे घर बनाया है, ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, नीचे भी एक पोर्शन है। सामने हॉस्पिटल बना हुआ है, रेलिंग लगाई हुई है सामने इन्होंने, साथ भी एक अब जी हम घर वापस जा रहे हैं। इन्होंने हमारी मिल्क शेक से तवाज़ो की थी, काफ़ी टाइम हो गया आए हुए हैं, तो अब घर वापस जा रहे हैं। बड़े पैसे हैं तेरे पास, हुए बहुत से पैसे जमा किए हुए हैं तुमने, तूने कितने जमा किए हैं? मुँह में से निकालो इसको, हर वक्त मुँह में डाल रखते हो, कितने जमा किए हैं पैसे? और तो पचास। हाँ जी, बड़े पैसे तुम लोगों ने जमा कर दिए, सारे मुझे जमा करके दे दो, याशी करूँ मैं, ठीक है? ठीक है रुमान ले आओ। आज हम दुआ के लिए थोड़े से चावल बना रहे हैं, तो आपसे शेयर करेंगे ये। बीच में गरम मसाला डाल रहे हैं प्याज में, साबुत गरम मसाला। मैं ये शाम की अपनी चाय बना रही हूँ, साथ ये खाने का वो चावलों का काम भी हो रहा है, प्याज सुरख हो रहा है, आपको बना के शेयर करेंगे। ये जी चिकन, चिकन डालेंगे, चिकन वाला पुलाव बनाएंगे। चाय मेरी बॉयल हो गई है, इस टाइम पे मैं लाजमी चाय पीती हूँ, ये मेरी बहुएं नहीं पीती चाय, इन्हें पता नहीं क्या पटीक है, क्यों नहीं पीती, लेकिन मैं पीती हूँ लाजमी, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे गर्मी हो, जून का महीना हो, मैं फिर भी पीती हूँ। अभी नहीं डालना, प्याज हमारा अब सुरख हो रहा है,
समझा मारो ना बिटू। प्याज शुरू हो गया, अब इसमें क्या डालोगे? टमाटर, चिकन। चिकन अच्छा, मैंने कभी बनाया। हाँ जी, अब प्याज मैंने चिकन डाल दिए फ्राई करने के लिए। इसमें नमक डाल रहे हैं, गरम मसाला पीसा हुआ, पहले थोड़ा सा साबुत डाला था अब पीसा हुआ, खुशक धनिया, सुर्ख मिर्चें, नहीं हल्दी, सुर्ख मिर्चें, अब इसको सही तरह फ्राई करेंगे तो फिर बस करें। चिकन भुन गई थी, अब उसमें ऑयल उसने छोड़ दिया था, तो फिर अब पानी शामिल किया, तो अभी पानी में बॉयल आएगा तो फिर चावल डालेंगे, दम पे रख देंगे चावलों को, फिर जब तैयार होंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अभी चावल पानी बॉयल हो गया, चावल डाल रहे हैं, अब ज़रा सा पानी को बॉयल आए तो फिर दम पे लगा देंगे इसको। हाँ जी, चावल तकरीबन हमारे तैयार होने वाले हैं। अभी मेरे प्यारे बहन भाइयों मुझे इजाज़त दें,
इस वीडियो का यहीं पे मैं इख्तिताम करती हूँ। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।